सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को ना ही कोई काट सकता है और ना ही कोई इसे जला सकता है, ना ही कोई इसे मार सकता है और ना ही कोई इसे गला सकता है। वो तो अजर अमर ही है। फिर ये व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों रोते हो? यहां तुम्हारा क्या था जिसका नाश हो गया है? तुम अपने साथ क्या लाए थे जिसके जाने पर यह विलाप हो रहा है? यहां जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, सब उन्हीं को अर्पण है। तुम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो, यही सृष्टि का नियम है। और जिसे अंत समझ रहे हो वही तो प्रारंभ है। इस सत्य को जानो और सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते चलो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हे स्वामी जी महाराज, मुझे भाग्य को तो अपने भाई से क्षमा मांगने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु मैं अभी ने मुखाग्नि देकर इनका अंतिम संस्कार करूंगा ताकि ये मुझे क्षमा कर दे। यही मेरा प्रायश्चित है महाराज। आपके मन में क्षमा का विचार आया, ये अच्छी बात है। जीवा खाचर, किंतु इनका अंतिम संस्कार और सारी क्रियाविधि हम स्वयं ही करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार संपन्न करेंगे। किंतु क्यों स्वामी जी महाराज, ये तो मेरा अधिकार है और मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमें प्रायश्चित करने का अवसर प्राप्त हो? आपका प्रायश्चित हो गया है जीवा खाचर जी, क्योंकि आपने हृदय से क्षमा मांगी है। किंतु एबल बापू ने अपने जीवन में मेरी और मेरे संतों की बहुत सेवा की है, इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने भक्त का अंतिम संस्कार अपनी ही इच्छा अनुसार संपन्न करें और इन्हें मुक्ति प्रदान करें। कदाचित यही आपके भाई की अंतिम इच्छा थी, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इनकी मुक्ति की राह में बाधक न बने। क्या करूं, मेरे सारे किए कराए पर स्वामी जी ने पानी फेर दिया।
देखा महाराज, कैसे स्वामी जी ने आपको दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। मुझे तो इस स्वामी जी की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही है महाराज। बस आज के दिन स्वामी को अपनी मनमानी कर लेने दो, उसके बाद मैं इनसे निपट लूंगा। स्वामी जी महाराज, एबल बापू के अंत्येष्टि की तैयारी हो चुकी है। इन्हें अंत्येष्टि के लिए ले चलो। लीजिए, अभी भूख नहीं है, कृपया करके आप ये भोजन ले जाइए। कुछ तो खा लीजिए छोटे महाराज। देखिए, यदि आप नहीं खाएंगे तो आपकी माताएं और बहनें भी नहीं खाएंगी। हम जानते हैं, किंतु क्या करें, हमारा बिल्कुल मन नहीं है। कृपया करके आप ये भोजन ले जाइए, हमें विवश मत करिए। Oh,
तुम जिनके जाने का दुख मना रहे हो वो तो इस जन्म मरण के भेद से मुक्त हो गए हैं। मेरे धाम में बड़े आनंद से हैं दादा खाचर। इस तरह भूखे रहकर उनकी आत्मा को कष्ट देना उचित नहीं है। हम जानते हैं तुम्हें अपने पिता से बेहद प्यार और लगाव रहा है और एक पुत्र को अपने जन्मदाता से प्रेम और लगाव होना ही चाहिए, किंतु यदि तुम उनसे स्नेह करते हो तो तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो अब सारी मोह माया और बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और वो अब सदा मेरी शरण में रहेंगे, जहां अब उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। क्या तुम ये नहीं चाहते कि उन्हें सदगति हो? ऐसा नहीं है स्वामी जी महाराज, किंतु ये कटु सत्य है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, हमें खाया जा रहा है, कैसे जिएंगे हम उनके बिना? जी पाओगे दादा खाचर, क्योंकि इसी का नाम तो जीवन मरण होता है, जो निरंतर चलता ही रहता है। फिर चाहे इस यात्रा में कोई मिले या बिछड़े, मनुष्य को तो निरंतर कर्तव्य के मार्ग पर चलते ही रहना पड़ता है। उसे किसी की मृत्यु से आहत होकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने उन लक्ष्य, उन सपनों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहना चाहिए, जिनकी कामना उनसे बिछड़ते हुए उनके अपनों ने की है। विरह की वेदना और पीड़ा के ये घाव भी समय के साथ अपने आप ही भर जाते हैं, क्योंकि समय एक ऐसी औषधि है जो हर घाव को भर देती है और धीरे धीरे मनुष्य सहज भाव से उस कटु सत्य को स्वीकार कर लेता है। आप भी कर ही लोगे। अब चलो भोजन कर लो और अपने पिता की आत्मा को प्रसन्न करो। याद है ना, उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा था कि तुम्हें अपनी माताओं और बहनों का ख्याल रखना होगा। स्वामी जी निज हाथ से भोजन रहे कराए, दादा प्रेम मगन हुए, मन ही मन हर्षाए। प्रभु जी ने वादा जो किया था, भल को जो वचन दिया था, आज उसे खुद निभा रहे हैं, भक्त पे करुणा लुटा रहे हैं। स्वामी जी महाराज, अब आपने तो दादा को संभाल लिया है, किंतु आपके जाने के बाद कौन इसे संभालेगा? हम है ना, हम संभालेंगे इसे, आखिर हम इसके काका हैं। अब इसकी सारी जिम्मेदारियां हम पर हैं।
पानी में बहा ही दिया। संभाल बेटा मुझे, देख मैं बह जाऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। बाहर आइए ना पिताजी, वादा करता हूँ अब कभी नहीं डूबाऊंगा। बाहर आइए ना पिताजी। बेटे, मैं तेरे आंसू देख नहीं सकता, आखिर तू मेरे स्वर्गवासी भाई की निशानी है। मैं संभालूंगा तुझे, मैं संभालूंगा। तुझे और तेरी जायदाद को भी। कितनी अजीब बात है ना ललिता, कुछ पल पहले पिताजी हमारे बीच थे और अब उनकी यादें ही शेष हैं। हाँ जया, अब तो हमें उनकी यादों के सहारे ही जीना होगा। सच कहा तुमने, अब तो एक एक पल उनकी यादें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। मुझे मुझे आज भी वो दिन याद है जब बेटी जया ललिता, पिताजी भोजन कर लो। पिताजी आपने कष्ट क्यों किया? दासी से कह दिया होता वो भोजन ले आती। दासी तो प्रतिदिन भोजन कराती है बेटी, किंतु आज हमने सोचा कि हम स्वयं अपने हाथों से अपनी पुत्रियों को भोजन कराएंगे, क्योंकि कल जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो ये अवसर हमें कहां मिलेगा। चलो जल्दी करो, अपने बाल मुकुंद को भोग लगा लो। हाँ। चलो फिर दोनों मेरे हाथ से खाना खाओ। चलो कर व्याकुल मन है, कल वियोग जब हो जाएगा ये अवसर कहाँ मिल पाएगा। आज पिताजी अक्षरधाम चले गए, किंतु हम चाहकर भी वहां नहीं जा सकते। हमें दादा भाई के लिए यहाँ रहना है, वो अभी बहुत छोटे हैं। सच कहा तुमने जया,
अगर आज दादा भाई की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती तो हम भी पिताजी के साथ धाम चले गए होते। कितनी अजीब बात है ललिता, जो माता पिता हमारे जन्म के साथी होते हैं वो जीवन पर्यंत हमारे साथ नहीं रह सकते, या तो विवाह कर हमें उनसे अलग होना पड़ता है या फिर मृत्यु उन्हें हमसे अलग कर देती है। हाँ बहन, ये मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य है जिसे हमें हर हाल में स्वीकार करना होता है। धन्य भाग हमारे कि हम स्वामी जी महाराज की शरण में हैं। और आज उनकी कृपा से हमारे पिताजी मुक्ति पा गए हैं। जानती हूँ, फिर भी मन बहुत दुखी है। पिताजी का विरह बहुत दुखदाई है। अपने आप को संभालो जया, क्योंकि अब हमें अपने भाई और अपनी माताओं को संभालना है। अपने आंसू पोंछ लो। पहले तुम अपने आंसू पोंछे ललिता। अपने आप को संभालिए बल बाबू, मुक्ति के बाद इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। आपका कथन सत्य है प्रभु, किंतु मुक्त होने के बाद भी मेरे अंदर का पिता अभी तक जीवित है, बस वही रो रहा है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं बल बाबू, और हम ये भी जानते हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं, किंतु अब उनकी चिंता ना करें, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। जानता हूं प्रभु कि आप सब संभाल लेंगे, किंतु आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक दिन भी अपने बच्चों को छोड़कर इतनी दूर आया हूं। बस यही कारण है कि ये दूरी मुझे खल रही है। मैं चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा हूं प्रभु। आपको अपने आंसू रोकने होंगे बल बाबू, क्योंकि माता पिता जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के नहीं। इसी के आधार पर सृष्टि चलती है। जो आपकी आज्ञा प्रभु, जो आपकी आज्ञा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा गढ़वी। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैंने अभी अभी सुना है कि स्वामी जी आपके सारे परिवार को इकट्ठा कर उनके साथ कोई गुप्त वार्तालाप कर रहे हैं। गुप्त वार्तालाप? क्या वो ये भी नहीं जानते कि हम भी एभल महाराज के भाई हैं? उन्हें हमें भी अवश्य आमंत्रित करना चाहिए था। आखिर वे मुझसे छिपा कर क्या कर रहे हैं? ये तो मैं नहीं जानता महाराज, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि वहां कोई ना कोई खिचड़ी अवश्य पक रही है। आपको वहां जाना चाहिए, देर मत कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, एबल बापू ने अपने अंतिम समय में हमसे ये कहा था कि मैं दादा खाचर और आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूं। तब तक, जब तक दादा ये सब संभालने के काबिल नहीं हो जाते, हम आज आप सबसे उनके सुनिर्णय के विषय में आपका मत
जानना चाहते हैं। हम सबका वही विचार है प्रभु, जो आप महाराज एबल खाचर जी चाहते थे। मैं जानता था कि आप सबका यही निर्णय होगा, किंतु एक समस्या है। वो क्या स्वामी जी महाराज? जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक योगी हैं और हमें धन दौलत और जायदाद से कोई लेना देना नहीं, और यदि मैं ये सब संभालूंगा तो लोग मुझ पर झूठा आरोप लगाएंगे, मुझ पर संदेह करेंगे, और ये भी हो सकता है कि वे आप लोगों को मेरे खिलाफ भी भड़काएंगे। किंतु इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्वामी जी महाराज। हम भला किसी के कहने पर आकर अपने प्रभु पर अविश्वास कर सकते हैं? विश्वास टूटने में देर नहीं लगती है। एक कहावत है कि जल की कई बूंदें अगर एक पत्थर पर लगातार पड़ती हैं, तो उसमें छेद हो जाता है। वैसे ही प्रतिदिन मेरे विरुद्ध सुनने पर आपका विश्वास भी डगमगा सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता स्वामी जी महाराज। जया, तर्क करने से बेहतर है कि आप लोग मुझे अपनी इच्छा से एक साझा सहमति पत्र लिख कर दे दें। जिसमें ये लिखा हो कि आप अपने मन से अपनी स्वेच्छा से मुझे समस्त जायदाद की जिम्मेदारी निभाने की अनुमति देते हैं, और आप कभी भी मेरे किसी भी निर्णय के विरुद्ध नहीं जाएंगे। इतनी सी बात स्वामी जी महाराज, हम अभी ये सब आपको लिखित रूप में देते हैं। ये तुम क्या कह रही हो जया बेटी, किंतु ये उचित नहीं है। सहजानंद जी एक संत हैं, उन पर तरह तरह के लोग बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे। मेरे रहते इन्हें संकट में क्यों डाल रही हो? काका साहिब, आप हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, किंतु पूर्व में जो आपने हमारे साथ किया है वो बात आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उचित यही होगा कि आप हमारे पारिवारिक मामले में दखल ना दें। किंतु क्या काका साहेब, हम जो कर रहे हैं वो हमारे स्वर्गवासी पिताजी की आखिरी इच्छा थी, जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, और आप हमें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकते। किंतु बेटी मेरी बात तो सुनो। आप जा सकते हैं काका। जया, तुम अनुमति पत्र लिखो। दासी, सब अपनी स्वेच्छा से स्वामी जी महाराज को अपनी समस्त जायदाद और राज्य के सारे अधिकार देते हैं। उनके किसी भी निर्णय को चुनौती देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इस राज आदेश का हम और हमारी प्रजा को पालन करना होगा। जो कुछ था वो दे दिया, प्रभु जी को सब दान, धन संपत्ति राज और सुख कर दिया प्रभु के नाम। ललिता जया बहुत बड़ भागी, भौतिक सुख और माया त्यागी, कपटी जन मन ही मन जलते, दूर खड़े हाथों को मलते।